तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं थोड़े टाइम बाद ही व्लॉग बना रही हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है कि अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो हर घर घर में कीर्तन हो रहे हैं। तो आज हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग देहरादून के फेमस टेंपल शाकुंभरी टेंपल पे जाएंगे। और नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए हमने प्लान बना लिया कि चलो वहीं चल लेते हैं जब कल छुट्टी है। तो हम लोग सब फ्रेश हो चुके हैं और अब हम लोग कपड़े चेंज करते हैं और फिर निकलते हैं शाकुंभरी मंदिर के लिए। और आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहिएगा और मैं आपको शाकुंभरी देवी के दर्शन भी करवाऊंगी, इसलिए आप लोग मेरे व्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। गाइस, मैं घर से निकल चुकी हूँ और मैं रेडी भी हो गई हूँ। मैं आपको अपना पूरा लुक तब दिखाऊंगी जब मैं मंदिर पहुँच जाऊँगी। पहले मैं आपको दिखा लेती हूँ यहाँ का व्यू। तो मेरी मम्मा ने गाड़ी में बैलेंस स्टार्ट कर दी है। मम्मा इधर देखो, बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। और ये मेरी दादी, दादी धन्य मेरी माता, धन्य तेरी शक्ति, मिलती पापों से मुक्ति करके तेरी भक्ति। अरे यहाँ बेटी आके मिले जाना, मैं परदेसी हूँ, पहली बार दर्शन के दरबार आया हूँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं शाकुंभरी मंदिर। और वैसे तो यहाँ पे ऑन वे ही गाड़ी उतरती है, पर जब नवरात्रि या कोई फेस्टिवल होता है तो हम बैक साइड से आते हैं। और अभी यहाँ पे मेरे दादू जी प्रसाद ले रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ पे चप्पल उतार दी है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि अभी हमें 1 किलोमीटर और चढ़ाई करनी है। और ये देखिए हम लोग निकल रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने ये भक्त देखे जो माथा टेक टेक कर मैया के मंदिर तक जा रहे हैं। शायद से इन लोगों की कोई मन्नत होती है, जब वो पूरी हो जाती है तो ये ऐसे ही माता के मंदिर तक जाते हैं। और अब हम लोग भूरा देव के दर्शन के लिए निकल गए हैं, क्योंकि हमें बताया गया था कि शाकुंभरी देवी के दर्शन से पहले हमें ज़रूर भूरा देव के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले भूरा देव के दर्शन की ओर निकल चुके हैं, फिर उसके बाद हम शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम लोग भूरा देव के मंदिर पहुंच चुके हैं और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी है भक्तों की। नवरात्र चल रहे, इसलिए ये तो होना ही था। जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए हम लोग भूरा देव के मंदिर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ साइड पे चुनरी टांगी जा रही है और इससे मन्नत मांगी जाती है। और जब ये मन्नत पूरी हो जाती है तो हमें यहाँ पे वापस आना पड़ता है चुनरी खोलने के लिए। और ये देखिए आप लोग भी भूरा देव के दर्शन कर लीजिए। और ये मेरे भाई ने इतना परेशान कर दिया ना हम लोगों को। जय माता दी, जय माता दी। तो हम लोगों ने भूरा देव के दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। और ये देखिए यहाँ का व्यू, और आपको व्यू के साथ ही साथ यहाँ पे इतनी लंबी लाइन दिखी। तो हम लोग लाइन में लगते लगते बहुत आगे आ चुके हैं और यहाँ पे एक पुल जैसी सीढ़ियाँ भी हैं जिसे क्रॉस करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम लोग शाकुंभरी देवी के दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं।
काफ़ी देर के बाद लाइन में लग के हम लोग शाकुंभरी देवी के प्रवेश द्वार पहुंच चुके हैं और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आप लोग यहीं से शाकुंभरी देवी के दर्शन कर लीजिए हाथ जोड़ के, और मैं यहीं पे मोबाइल बंद कर दूंगी। हम लोगों ने शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ छिन्न मस्तिका में देवी के दर्शन करने आए हैं, क्योंकि शाकुंभरी देवी के बाद छिन्न मस्तिका में भी दर्शन करने के लिए आना जरूरी होता है। और यहाँ से आप लोगों को दिख ही रहा होगा छोटा सा प्रवेश द्वार, और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं छिन्न मस्तिका की ओर। और ये देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, मंदिर माँ छिन्न मस्तिका देवी। और यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए मेरा फ़ोन बंद करवा दिया जाएगा। माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन के बाद हम लोग दाट काली देवी के दर्शन के लिए निकल गए हैं, और मैं आप लोगों को उनके भी दर्शन करवाऊँगी। ये देखिए मेरी मम्मा ने दाट काली के लिए प्रसाद ले लिया है और हम लोग उसकी ओर जा रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग दाट काली मंदिर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और आप लोग ये देखिए दाट काली मंदिर पे हाथ जोड़ लीजिए। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मोबाइल अलाउड है, यहाँ पे फ़ोटोज़ पिक्चर और वीडियोज़ बना सकते हैं। और ये देखिए अभी हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर प्रसाद भी चढ़ाएंगे। जय माता की, सारे बोलो जय माता की, ज़ोर से बोलो जय माता की। और ये देखिए मेरी मम्मा ने यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया है। यहाँ से हम लोग अपने घर की ओर निकल चुके हैं, और रास्ते में बीच में टनल पड़ता है, जिससे मेरे भाई बहुत खुश हुआ। और आपका मेरी वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। यहाँ से हम लोग अपने घर की ओर निकल चुके हैं, और रास्ते में बीच में टनल पड़ता है, जिससे बहुत खुश हुआ। और आपका मेरी वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।